हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं मटर पुलाव बनाने वाली हूँ। तो मटर पुलाव सबको ही बहुत पसंद होते हैं और आप मटर पुलाव को लंच और डिनर किसी भी टाइम खा सकते हैं। तो आज मैं मटर पुलाव लंच में बनाने वाली हूँ। तो मटर पुलाव बनाने के लिए ये मैंने 1 कप चावल लिए हैं। चावल को मैंने धो लिया है और इनको मैंने 15 मिनट भिगो के रखा था और इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। और साथ में ही मैंने ये 2 तेज पत्ता लिए हैं और मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है, दालचीनी ली है, साथ में मैंने 1/4 चम्मच हींग लिया है, 3-4 काली मिर्च ली है और लौंग लिए हैं। 1 मैंने प्याज लिया है, प्याज को मैंने लंबे पीसेस में कट कर लिया है। टमाटर भी मैंने 1 लिया है बड़ा और उसको भी मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। और 2 मैंने हरी मिर्च ली है, 1 मैंने बड़ा आलू लिया है उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है और मैंने 1 कटोरी मटर लिए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मटर पुलाव बनाना। और ये मैंने सॉस ली है, टमाटो सॉस, ये मैं 1 चम्मच यूज़ करूँगी पुलाव में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मटर पुलाव बनाना। गैस को मैं ऑन कर लेती हूँ और मैं जो मटर पुलाव है उसको मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। तो अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालूंगी। मैं इसमें तिल का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको कोई भी तेल जो पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब मैं तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, हींग और जीरा डाल दूंगी। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को हमने हल्का ब्राउन करना है। तो प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है प्याज। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और टमाटर। मटर और 1 कटे हुए आलू। साथ में ही हमने चावल डाल देने हैं। और हम इनको थोड़ी देर भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। हम स्वाद अनुसार यूज करेंगे और नमक मैंने डाल दिया है। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैंने रेड चिली डाली है और साथ में ही हम 1 चम्मच टोमेटो सॉस डालेंगे।
कर लेंगे मिक्स। एक कप मैंने चावल लिए थे और एक कप ही हम पानी डालेंगे, क्योंकि हमने चावल को पहले से भिगोया हुआ है। तो मैंने इसी को नाप कर इसी हिसाब से मैंने चावल लिए थे, तो एक गिलास ही मैं पानी डालूंगी। अब हम प्रेशर कुकर को कर देंगे बंद और एक विसल आने तक हम पकाएंगे। जैसे ही एक विसल आ जाएगी हम गैस बंद कर देंगे, और जब एक प्रेशर कुकर की सारी विसल जब प्रेशर निकल जाएगा तब हम कुकर खोलेंगे। तो चलिए एक सीटी आने देते हैं। आप विसल निकल चुकी है, अब चेक करते हैं। लीजिए बन चुके हैं हमारे मटर पुलाव, चेक कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार हो चुके हैं मटर पुलाव। थोड़ा सा इनको ठंडा होने देते हैं, फिर हम इनको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। तो चावल ठंडे हो गए हैं, हम इनको एक बाउल में कर देते हैं ट्रांसफर। तो लीजिए मैंने एक बाउल में कर दिए हैं ट्रांसफर। तो फ्रेंड्स तैयार हो चुके हैं हमारे मटर पुलाव। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये सिंपल और टेस्टी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लंच हमारा रेडी हो चुका है।